नमो भगवते रुद्राय। नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सावन के सोमवार के। सावन मास में जिस तरह से शिव जी के रुद्राभिषेक का बहुत अधिक महत्व होता है, ठीक उसी तरह शिवा मूर्ति चढ़ाने का भी अत्यधिक महत्व होता है। बहुत सारे लोगों के मन में ये भी प्रश्न आ रहा होगा, शिवा मूर्ति क्या होता है? तो दोस्तों इसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। उसके साथ ही आपको ये भी बताऊंगी कि सावन में यानी कि सावन मास में आपको खासकर कौन से ऐसे कुछ पौधे हैं जिन्हें आपको अपने घरों में जरूर लगाना चाहिए। यदि आप अपने घरों में ये पौधे लगाते हैं तो धन की जो दिक्कत होती है, धन से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो खत्म होती हैं, घर में कलह कलेश से मुक्ति मिलती है, सुख शांति का आगमन होता है, तरक्की के रास्ते खुलते हैं, भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं और उनके साथ ही मैया पार्वती का भी आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए वीडियो को देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द डिवाइन सोल पर मैं नीतू प्रसाद बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी जितने वीडियोज आएंगे उनकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच पाएंगी। दोस्तों हम सभी को मालूम है सावन का महीना कितना खास है और हमारे धर्मों में इसका कितना महत्व है। शिव पुराण में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि सावन का महीना बहुत ही खास माना जाता है क्योंकि भगवान शिव को सावन का माह अत्यधिक प्रिय है। सावन का महीना 4 जुलाई से शुरू होने वाला है और पहले सोमवार जो हमारे पड़ रहे हैं वो है 10 जुलाई को, यानी कि सावन का महीना 4 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, शुरुआत हो जा रही है। लेकिन जो पहला सोमवार पड़ेगा, जिस सोमवार को हमें खास तौर पे भगवान शिव की भगवान शिवलिंग की पूजा करनी है वो 10 जुलाई को है। इस बार सावन का जो माह है वो 59 दिनों का रहने वाला है जो कि दुर्लभ संयोग है, बहुत ही खास है, 19 सालों बाद ऐसा संयोग हो रहा है। यह महीना भगवान शिव के भक्तों के लिए बहुत खास माना जाता है क्योंकि भगवान भोलेनाथ की धूमधाम से हम सभी भक्त पूजा अर्चना करते हैं, विधि पूर्वक इनकी हम जलाभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं। अधिक मास होने के कारण ही सावन इस बार 2 महीने का हो रहा है और इस तरह से देखा जाए तो इस सावन में टोटल 8 सोमवार पड़ने वाले हैं जिनमें हमें व्रत करना चाहिए। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे प्रश्न हैं, आज मैं कोशिश करूंगी आपके उन सभी सवालों के भी जवाब देने का। लेकिन सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि कौन कौन सी तारीख होने वाली है, किस किस तारीख को हमें सोमवार का व्रत रखना चाहिए, भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले हम तारीख को जान लेते हैं। सावन में जो जो तारीखें पड़ रही हैं सोमवार के दिन उसका हमने स्क्रीन पर डाल रखा है, आप उसे देख सकते हैं। बहुत ही आराम से आप इस चीज़ से नोटिस भी कर सकते हैं कि सोमवार के दिन कौन कौन सी तिथि पड़ रही है। बहुत सारे लोगों का ये भी प्रश्न है, अधिक मास होने के कारण जो सावन में सोमवार पड़ रहा है क्या उसमें हमें व्रत रखना चाहिए अथवा नहीं? तो दोस्तों व्रत यदि आप रखना चाहते हो तो जरूर रखें, ये बहुत अच्छा माना जाता है। हाँ, यदि आपके मन में किसी भी तरह की शंका है या आपके क्षेत्रों में अधिक मास में पड़ने वाले सोमवार के व्रत को नहीं रखे जाते हैं तो बात अलग है, ऐसे में आप अपने क्षेत्रों के हिसाब से ही काम करें। लेकिन मेरा अपना मानना है भगवान भोलेनाथ के निमित्त सावन के सोमवार की पूजा का विशेष महत्व होता है तो क्यों इस व्रत को छोड़ा जाए, आगे आपकी इच्छा है। सावन के सोमवार को तो भगवान शिवलिंग की पूजा की ही जाती है, भगवान शिव की तो पूजा अर्चना की ही जाती है, लेकिन यदि पूरे सावन आप भगवान शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं तो ये और भी ज़्यादा विशेष होता है। इसके लिए आपको करना क्या है, बहुत अधिक मशक्कत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितनी आपकी शक्ति उतनी आपकी भक्ति होनी चाहिए। कोशिश करें कि सावन के प्रत्येक दिन प्रातःकाल स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके शिव मंदिर चले जाएं, निकट में जो भी शिव मंदिर है वहीं चले जाएं, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है और यदि संभव हो तो नंगे पैर जाएं, यानी कि पैरों में जूती चप्पल वगैरह डालकर ना जाएं। घर से ही एक लोटे में जल भरकर ले जाएं और उसमें थोड़ा सा काला तेल डाल लें और इसी से भगवान शिव का जलाभिषेक करें, जल अर्पण करें, भगवान को साष्टांग प्रणाम करें और वहीं पर बैठकर यदि संभव हो सके तो शिव मंत्र का 108 बार जाप जरूर कर लें। सायंकाल के समय मंत्रों का फिर से जाप करें और उनकी आरती करें।
पूजा के समाप्त होने के बाद आप कोशिश करें कि अन्न का तो बिल्कुल सेवन ना कर सकें। हाँ, यदि आप किसी भी तरह से अस्वस्थ हैं और आपको मेडिसिन लेनी पड़ती है, दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, तो फिर आप मीठा भोजन ले सकते हैं। अदरवाइज आप कोशिश करें कि आप फलों पे रहें। फल बहुत ही अच्छा होता है, शुभ भी माना जाता है, और यदि आप व्रत का नियम पूरी तरह पालन करते हैं तो फलों का सेवन करना उत्तम भी माना जाता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं सावन के दौरान आपको कौन से पौधे विशेष करके अपने घर में जरूर लगाने चाहिए। तो आप केले का पौधा अपने घर में इस मास में जरूर लगाएं। केले का पौधा जो होता है घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, और घर में केले का पौधा लगाना बहुत ज्यादा शुभ भी होता है। बस ध्यान रखें कि जहाँ पे तुलसी जी का पौधा आप रखें, वहां पर केले का पौधा एक साथ नहीं रखना है। इसके साथ ही आप घर में सावन के मास में शमी का पौधा भी लगाएं, इससे परिवार के लोगों को लाभ होता है। शमी का पौधा लगाने से भगवान शिव के साथ ही शनिदेव की कृपा की प्राप्ति भी होती है, घर में सुख शांति होती है। कहा जाता है तुलसी के पौधे के साथ साथ यदि शमी का पौधा लगा लिया जाए तो कई गुना लाभ की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अब हम जानते हैं सावन के दौरान जो पड़ने वाले सावन सोमवार है, और इस दिन हमें खास तौर पे शिवलिंग पर शिवा मुट्ठी जरूर अर्पण करनी चाहिए। ये शिवा मुट्ठी क्या है इसके बारे में भी जानते हैं, और 8 सोमवार जो पड़ रहे हैं उनमें हमें किन किन चीजों को भगवान शिव पर अर्पण करनी चाहिए। सावन मास में जिस तरह से रुद्राभिषेक का महत्व होता है, उसी तरह शिवा मुट्ठी का भी विशेष महत्व होता है। शिवा मुट्ठी चढ़ाने से अमोघ पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि आपने अभी तक ये कार्य नहीं किया है तो इस बार के सावन सोमवार पर ये करना बिल्कुल ना भूलें। सावन के पहले सोमवार को आपको शिवलिंग पर चावल अर्पण करना है। आपको ध्यान ये रखना है कि एक भी चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए। ये चावल मुट्ठी भर के होने चाहिए, चावल कहीं से भी खंडित ना हो, साफ सुथरे हो। यदि आप इसे शिवलिंग पर अर्पण करते हैं तो इससे आपके आर्थिक संकट दूर होते हैं, और आने वाले समय में आप इससे कई सारी समस्याओं से भी निजात पा सकते हैं। सावन के दूसरे सोमवार आपको एक मुट्ठी काला तिल अर्पण करना चाहिए। सोमवार को यदि आप ये तिल अर्पण करते हैं तो इससे आपको जितनी भी बीमारियां हैं उससे तो मुक्ति मिलती ही है, साथ ही शत्रुओं से भी आपका भय खत्म होता है। जितने भी शत्रु हैं वो भी आपसे परास्त हो जाते हैं। सावन के तीसरे सोमवार एक मुट्ठी हरी मूंग चढ़ाएं, इससे आपके जीवन में रुका हुआ जो भी संकट है, जो भी कार्य है, वो भी दूर होता है और सफलता के रास्ते खुलते हैं। सावन के चौथे सोमवार एक मुट्ठी जौ चढ़ाना चाहिए। ये घर परिवार के विकास और समृद्धि के लिए बहुत ही उपयोगी उपाय है। सावन के पांचवें सोमवार को सत्तू चढ़ाना चाहिए। इसे चढ़ाने से भक्त के जीवन में अन्न, धन और विद्या की कभी भी कोई कमी नहीं होती है। सावन के छठे सोमवार को आपको शिवलिंग पर अरहर की दाल चढ़ानी चाहिए। इससे मनचाहे वरदान की प्राप्ति होती है, आपकी जो भी इच्छा है, मनोकामना है, वो पूर्ण होता है। सावन के सातवें सोमवार को आपको ध्यान रखना है, गेहूं या जौ अर्पण करनी है। शिवलिंग पर एक मुट्ठी गेहूं या फिर एक मुट्ठी जौ अर्पण करने से संतान सुख में वृद्धि होती है, सुख शांति की प्राप्ति होती है, संतान से जुड़ी हुई सभी समस्याएं समाप्त होती हैं। सावन के आठवें सोमवार को आपको ध्यान रखना है प्रियंगो कंगनी का। प्रियंगो कंगनी यदि आप शिवलिंग पर एक मुट्ठी अर्पण करते हैं तो इससे अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि किसी भी कारणवश आपको प्रियंगो कंगनी नहीं मिल पाती हो तो ऐसे में मूंग की दाल एक मुट्ठी सावन के सोमवार के आठवें सोमवार पर शिवलिंग पर जरूर अर्पण करें। इससे आपके रास्ते में आ रही जितनी भी बाधाएं हैं वो समाप्त तो होती हैं और मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।